आज भारतीय किसान यूनियन भानु जिला अलीगढ़ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने दोपहर 2 बजे खैरेश्वर चौराहे से दिल्ली किसान आंदोलन को धार देने के लिए दिल्ली नोएडा दिल्ली टोल पर पहुंचकर धरना देने के लिए निकले। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी काले कानून का विरोध करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रेमपाल सिंह चौहान ने कहा कि किसान की मांगों के लिए केंद्र सरकार की हठ धर्मिता समस्या परे है। प्रदेश उपाध्यक्ष एस के सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से 1000 किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जहां किसानों की मांग न माने जाने तक रुके रहेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने बताया कि किसानों की मुख्य मांग है अनाज को व्यापारी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदा जाए, यदि वो खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष बबलू प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाना चाहिए एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि किसान आयोग का गठन किया जाए और 60 साल से अधिक आयु वाले किसानों को पेंशन दी जाए। दिल्ली कूच करने वालों में मानवेंद्र सिंह, विकास लोधी, बीरेश सिंह, लव ठाकुर, गोपाल सिंह, विपिन कुमार, योगेंद्र पाल सिंह, पूरनमल गौतम, महेंद्र प्रताप सिंह, शिव सिंह, चौप सिंह, उदित सिंह, प्रेमलता, सावित्री, भूदेवी सहित सैकड़ों महिलाओं के साथ दिल्ली कूच किया गया।